बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 साल चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके दो साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस को गिरफ्तार अपराधी के पास से भारी मात्रा में शराब का जखीरा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही भागे हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देश प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौत का आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। बागपत में भी इस बीमारी का कहर फैल चुका है। बता दें कि स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से एक युवक की अस्पताल में ही मौत हो गई। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। सर सचिन नाम है मेरा, ये जो दोस्त हैं हमारे और साथ में जॉब करते हैं, और इनको जो ना 3-4 दिन पहले बुखार आया हुआ था और सर्दी भी लग रही थी, और उसके बाद ये एडमिट कर दिए थे यशोधरा में, और 3-4 दिन आईसीयू में रहे, उसके बाद इनका ये। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अध्यक्ष राम मूरत यादव ने कहा कि पिछले साल 2018 में भी हमारे संघ ने आंदोलन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन अपनी जायज मांगों को लेकर किया गया था। उनका कहना है 7 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अभी वेतन समिति की रिपोर्ट सरकार के पाले में पड़ी हुई है, उसे उजागर नहीं की गई है। बदनाम बदलने की बात है, योग्यता बदलने की बात है, सरकार नई भर्ती करने जा रही है, उसने हमें आश्वस्त कर रखा है कि हम पदनाम भी बदलेंगे और नई योग्यता स्नातक के साथ भर्ती करेंगे, लेकिन अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली सरकार के पास लंबित है शासन में, उसे पूरा करने के 1.5 साल हो गया, अभी तक वो भी कैबिनेट में नहीं जा पाई है। मथुरा में एक प्रेमी जोड़े का रचा हुआ षड्यंत्र सामने आया है। दरअसल एक युवती अपने प्रेमी के साथ स्टेशन से भाग गई और 2 दिन बाद अपने प्रेमी से घर पर फोन कराकर अपने ही किडनैप होने की बात कही। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस को दी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने फोन नंबर को ट्रेस करके दोनों लोगों को बरामद कर लिया और उन लोगों का भांडाफोड़ भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 फरवरी को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के महासचिव और राज्य प्रभारियों को बुलाया है। वहीं 9 फरवरी को वे स्टेट कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से मिलेंगे। वाराणसी में तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने सामने से आ रही एक बाइक पर सवार 5 परिवार के सदस्यों को टक्कर मार दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जलान के थाना इलाके में एक युवक की दबंगई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक पड़ोसी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत करते देख दबंग ने पीड़िता के घर में आग लगा दी और घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया, लिहाजा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मैं मतलब पीक रहा था, टट्टी होने गई थी 6 बजे, तो उधर आए तो हमारा हाथ साथ पकड़ लिया लुपट्टा खींच लिया और बोला मुझसे शादी करना है तो किसी से नहीं। श्रावस्ती के नासिरगंज में चिटफंड घोटाले को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि कोलकाता में शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी राजीव कुमार से सीबीआई द्वारा पूछताछ करने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी के साथ दुष्व्यवहार किया, जिससे आक्रोशित टाइगर क्लब के लोगों ने ममता का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी भी की। हमने ममता बनर्जी का पुतला इसलिए फूंका है और साथ में राजीव कुमार का भी फूंका है कि जो शारदा चिटफंड का घोटाला हुआ है, सीबीआई जो देश के सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी है, वो केवल राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इतनी तानाशाही की कि सीबीआई के अफसरों को मारा और उन पर कार्रवाई किया, उन्हें पकड़ के जेल में और थाने में बंद कर दिया। हम ममता बनर्जी के तानाशाही का विरोध करते हैं और उन्हें उनकी औकात याद दिलाते हैं कि उनको जनता पसंद नहीं करती है और एक इस देश में भ्रष्टाचार और ये तानाशाही नहीं चलेगी।